अभी थोड़ा सा खा ले ले, देख तो कैसी बनी है, टेस्ट तो कर। कि जाना है हॉस्पिटल। पापा लाए है अचार। डॉक्टर नहीं हो रहा ध्रुवी, तो क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि ध्रुव को हाइपरथर्मिया है, क्योंकि 102 डिग्री आया था। कितनों की लव स्टोरी यहां, केसरिया तेरा। हे गाइज, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज, आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि ध्रुव की तबीयत बहुत ख़राब है, और ध्रुव की कल रात से ही तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो सुबह मैंने सोचा था कि ठीक हो जाएगा, रात को मैंने उसको मेडिसिन दी थी, बट सुबह ध्रुव इतना गर्म था और उसको इतना तेज़ बुखार था, बॉडी एक था, तो फिर मैंने ध्रुव को बोला कि आज छुट्टी ले ले। वैसे भी ध्रुव ने आज हाफ डे लेना था क्योंकि वीकेंड आने वाला है, तो हमारा प्लान था कि हम नानी से मिलने शिमला जाएंगे, क्योंकि नानी को शिमला आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और नानी हमेशा बोलते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमने सोचा कि नानी से मिलना भी हो जाएगा और हम शिमला भी चल जाएंगे, बट ध्रुव की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि वो आज ऑफिस भी नहीं जा पाया है। मैंने और पापा ने सोचा कि ठीक हो जाएगा, तो मैंने मेडिसिन दी, वो खाना भी नहीं खा रहा है। इवन ध्रुव को एसी फ़ैन, मतलब इतनी गर्मी लगती है, आज एसी फ़ैन रूम के सब बंद है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसको ना ज़बरदस्ती से हाफ चपाती खाई है, वो भी ज़बरदस्ती उसने खाई है। तो फिर अभी मैंने पापा को फ़ोन किया था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बट फिर उसने थोड़ा सा हॉट बाथ लिया ऐसी कि उसको ना टांगों में बहुत पेन हो रही थी। तो अभी थोड़ा वो बोल रहा है कि शाम तक देख लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन मैंने उसको दे दी है। तो फिर पापा ने बोला है कि एक बार देख लो वो, मतलब फिर अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो फिर अभी ना ध्रुव ऐसे जगह जुगेट पहन के, चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है, ध्रुव को ठंड लग रही है, तो अभी मैंने थोड़ा उसको बिस्तरे में ना, एक्चुअली गाइस ऐसा हो जाता है कि बिस्तरे में ना आप और बीमार फील करते हो, तो मैंने उसको उठा के थोड़ा सा गर्म पानी दे के बिठा दिया। अभी जानते उससे ज़रा बात कर पाता है कि नहीं। ध्रुवी जी, ठीक हो अभी? यार मेरी आंखें तो खुल नहीं रही, हेडेक है और मुझे ना टांगों में भी पेन है। मैंने हॉट वाटर बाथ लिया तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सिंग जैसा तो फील हुआ है। बाकी एक बार मैं जाता हूँ, जी नीचे चलते हैं थोड़ा धूप से। गाइज, आजकल ना वायरल फैल रहा है ना, मेरे को लग रहा है वायरल है यार। पता नहीं क्या है, पर बहुत ही अजीब है। जो मेरे को इस बार हुआ है ना वो बहुत अजीब है। मतलब इसमें मेरे को टांगों में दर्द, सर में दर्द, गले में भी दर्द था सुबह, बट अब तो ठीक हो गया है। सभी बीमार हो रहे हैं आजकल, चारा सैड हो गया यहाँ पे। मैंने इसको बोला, मैं कहा भैया बीमार है, उन्हें खाना नहीं खाया, इसने भी खाना नहीं खाया। अंदर तुम नहीं खाया बेटू? बेटू खाना खा ले, भैया तो ठीक हो जाएंगे, खा ले से भी। गाय देख रहे हो आप, इतनी गर्मी में धूप सेकनी है, बट कोई नहीं, बोलते हैं ना अर्धांगनी है हम आपके, धूप भी सह लेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, अभी मैं बीमार होके हटी हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता के बोल दूँ कि जो हम ये सडन बीमार हो रहे हैं ना आजकल, वायरल हो रहा है, तो ये ना जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते पानी बदल, तो ये सब चीज़ें पता कैसे हो रही है ना गाइस, हम एकदम जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, और हम ना फ्रिज से, आदत है हमारी कि फ्रिज से ठंडा पानी पी लिया या फ्रिज से डायरेक्ट ठंडी चीज़ खा ली, तो वो ना एकदम गला पकड़ लेती है। क्योंकि मैं भी गर्मी है तो मैं भी सोचती थी कि ठंडक के लिए फ्रिज से आइसक्रीम खा ली या फिर पानी पी लिया, तो ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली बीमार इसी वजह से हो रहे हैं हम। देखो आज व्लॉगर जो रोज़ व्लॉगिंग के लिए इतना होता है बेचारा ना, इरिटेट तो नहीं हो रहा है ना बहुत ज़्यादा? चलो आपने सोसाइटी में देख रहे होगे, एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत है, क्योंकि ना चंडीगढ़ में ना दोपहर में कोई नहीं निकलता है, क्योंकि 1:16 हुए, अभी बहुत तपती धूप होती है। अंदर से बहुत ज्यादा वीकनेस जैसी फील हो रही है मेरे को, और टांगों में भी दर्द है। चेकअप मैं इसलिए नहीं करवाना चाहता, मेरे को ये है कि बिना दवाई खाए अगर ठीक हो जाऊँ तो वेल एंड गुड है, क्योंकि दवाई खाने के बाद भी बहुत ज्यादा असर होते हैं आपकी बॉडी में। बाकी अगर ठीक नहीं हुआ फिर तो जाना पड़ेगा चेकअप करवाने, तो थोड़ी देर धूप सेकते हैं। तो गाइस अब मैंने ली है मूंगी, अब मैं सोच रही थी मूंगी और चावल, मतलब उसकी खिचड़ी बनाती हूँ सिंपल सी, लिक्विड सी, जो मतलब ध्रुव खा सके। तो मैंने मूंगी डाल दी, मैंने थोड़ी सी मूंगी डाल ली है, मैंने लगी थी मैं ध्रुव के लाई थी ताकि ये वेस्ट ना हो। बस अब मैं इसमें हल्दी और नमक डालूँगी, क्योंकि तड़के वाली नहीं, सिंपल ही बनानी है। तो फिर जब इसमें सिटी आ जाएगी फिर मैं इसमें चावल डालूंगी। तो गाइस खिचड़ी मैंने लगा दी है, उसमें अभी सिटी आएगी जब तक वो बनती है। तो ध्रुव के ना पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि इसके थोड़े पैर दबा देती हूँ, मतलब इसको ना ऐसे उसमें शलनी टाइप हो रही है।
एसी बंद, पंखा बंद और हुडी पहन के सोए। ध्रुवी ये क्विल्ट तो नहीं चाहिए? नहीं गाइस, एक्चुअली मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, उतने मैंने इसमें दो सिट्टी आ गई, तो शायद इसमें ना पानी पूरा वो हो गया। अब मैं इसको ना थोड़ा खिला लेती हूँ, कुछ तो खा लेना। अभी थोड़ा सा खा ले ले, देख तो कैसी बनी है, टेस्ट तो कर। तो गाइस मैंने ना गरम गरम खिला लिया था ध्रुव को, इसका मुँह जल गया, तो मैं कब खुद ही खा ले। काफी हो गया, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। देखो इतनी सी बची है, बस खा ही नहीं रहा है। ध्रुव ने खिचड़ी खा ली है, तो अभी फिलहाल उसने पूरी कटोरी मतलब जो है वो खिचड़ी खा ली है। तो अभी मैं भी अपनी मतलब मैंने रात मतलब सुबह मेरी 10 बजे क्लास थी, तो ध्रुव बीमार थे, तो इस करके मैं लगा नहीं पाई थी। 4-5 बजे तक देखती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। अगर थोड़ा बेटर फील होता है ध्रुव को तो ठीक है, अदरवाइज उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो पापा आ गए और पापा लाए हैं अचार, दिखाना पापा आम का अचार है ना, घर का बना हुआ। वो भी वाह इतना टेस्टी लग रहा है देखने में, अभी खाई। ये देखना, ये देखना, आए बहुत टेस्टी लग रहा है। टेस्ट करके रिव्यू दूंगी पापा मैं, कैसा बना है ज़रा। और हाँ दवाई दी है मैंने और खिचड़ी खिलाई है थोड़ी सी, अभी सोया है। तो ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है और इसकी फ्रिग्रेंस भी इतनी अच्छी आ रही है ना, और इसमें ना आम का अचार और मिर्ची का अचार है, तो मैं खा के बताऊंगी कैसा बना है। मतलब मेरे को ना आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये पूरी बाल्टी महीने में ख़त्म हो जाए, महीना तो बहुत है मतलब, बट ठीक है। हम जो अचार ला रहे थे ना, पापा बोल रहे थे बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं लेके आऊँगा। तो आज पापा फाइनली लेके आए हैं अचार। तो भाई ध्रुव बीमार है, वरना अभी ध्रुव को नहीं दूंगी मैं। तो गाइस उसका रिएक्शन देखना, मुझे तो ना कोई भी आम का अचार खिला लो, मुझे सब पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं तो ये अचार मंगवाने वाली हूँ, अब पापा टेस्ट करेंगे, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगे, अब देखेंगे ट्रू रिव्यू। निकालो एक पीस पापा, अरे इतना थोड़ी खा लूँगी छोटा वाला निकालो, इसका भी हाफ कर रहे हो, मैंने तो इससे भी बड़ा पीस डाल दिया था मुँह में, है ना। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, मतलब ना बहुत ही शरीर टूटा हुआ लग रहा है, टांगों में इतनी दर्द है, हेडेक है, बुखार जैसा भी लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रात को ना कहीं ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, पापा भी आ गए तो इस चक्कर में चली जाते हैं, चेकअप करवा देते हैं, गाड़ी पापा चला लेंगे, मैं और अजीना साथ में बैठ जाएगी, देखते नियर बाय हॉस्पिटल में ही चलते हैं। गाइस अब निकल रहे हैं हम, मेरे को तो ना अभी इस टाइम भी टांगों में इतना पेन हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। पिछले रात तक मैं बिल्कुल ठीक था और आंखें नहीं खुल रही, बस सबसे बड़ी दिक्कत ही हो रही है ना, बहुत भार पड़ रहा है, फीवर तो है, पसीना पसीना हो गया। जो तेरे को दी थी, देखते हैं जरा क्या बोलते हैं पहले। तो पहले तो वहाँ नंबर लगना इतना मुश्किल है, क्योंकि हम लेट हो गए ना, शाम के टाइम तो रश होता है डॉक्टर स्क्वायर में। तो पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल के बाहर, यहाँ पे चेक होते हैं, डॉक्टर होने चाहिए, बस यही है। बीपी चेक कर रहे हैं, स्टिल 102 डिग्री। देख तो टांगों पे टांगे डाल के बैठे, डर तो नहीं हो रहा ध्रुवी? हॉस्पिटल में और ठीक हो जाएगी, वही चीज मेरे दिमाग में ना एकदम से आई, ड्रिप वगैरह देख के बस अब ये, इसके बाद एक और लगेगी लास्ट। बैठ सकता है तू पागल,
बस हाथ मत हिलाइयो। हाँ बस पीले पानी। 7 बज गए और पापा बाहर वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ। बस ध्रुव की अभी है ना ख़त्म होने ही वाली है एंटीबायोटिक, थोड़ी सी बच्ची है तो उसके बाद ध्रुव के सैंपल भेजे बहुत सारे, CBC, LFT, डेंगू वगैरह सारा कुछ भेजा है। तो क्योंकि डॉक्टर को लग रहा था कि ध्रुव को हाइपरथर्मिया है क्योंकि 102 डिग्री आया था, तो उनको लग रहा था कि कहीं आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है तो कहीं डेंगू ना हो, तो डेंगू का टेस्ट भेजा है। डेंगू पॉजिटिव आता है तो मेडिसिन उसकी लेनी पड़ेगी, बाकी देखते हैं। फीवर तो है ही है, अभी कैसा लग रहा है? टांगों में दर्द है, चलो दवाई, इनको पेन किलर भी दी है, इनको ट्रामाडोल दिया है, एंटीबायोटिक दी है, पैरासीटामोल दी है, तो अब तो होना ही चाहिए ठीक। रिपोर्ट सारी आ गई, बस यूरिन की रहती है। अब चलते हैं घर, यार सेवी बेचारा वेट कर रहा होगा कब से, हमें नहीं पता था कितना टाइम लग गया, हमें लगा था कि बस चेक करा के एकदम आ जाएंगे, पर यहाँ पे 2-3 घंटे तो लग गए हमारे अभी ऑलमोस्ट। अब चलते रास्ते से बस कोकोनट वाटर देखता हूँ पीने के लिए, थोड़ी सी मेडिसिन लेने के लिए पापा उतरे हैं मेरे लिए। और क्या अंजू तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? हाँ, मैंने सोचा आप ठीक हो जाओगे फिर साथ में खाएगी। तूने कुछ भी नहीं खाया? नॉट इवन अ सिंगल बाइट। पापा इसको घुमाएंगे। सेवी तू तो नहीं क्या चेक करके आओ नहीं? नहीं 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 नहीं, बेचारा वेट कर रहा था हमारा कब आएंगे। डॉक्टर ने बोला ठीक है सब, हाँ खुश हो जाओ। पहले पापा इसको क्या बोला डॉक्टर? दाग भी नहीं रहे। ये जानना चाह रहा है बेचारा कब से टेंशन में था अभी तक। वाजी वाह, अचार को देख के इतनी खुश हो रही है ना पूछो मत। अच्छा जी, ले आओ जरा पानी पी लो, मैं नारियल पानी। बीमारी बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम, इसको खोलो इसको। इसको खोलू कैसे? वो लाओ ना आपको छुरी, छुरी से। आज का दिन पूरा ना मतलब ऐसे ही निकल गया मेरा तो। गाइस अब मैं नारियल पानी पीता हूँ, ताकि अगर हेल्थ की अपडेट हूँ तो मैं थोड़ा सा बेटर हूँ एज कम्पेयर टू पहले। पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, आपने देखा ही होगा जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था उस टाइम पे बोला भी नहीं जा रहा था टाइम से। अब थोड़ा सा एनर्जी आई है तो मैं सोच रहा ब्लॉग भी एंड करता हूँ, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होगी, कल ये ब्लॉग भी आएगा तो करते हैं ब्लॉग एंड। बाकी थैंक यू सो मच अंजना और पापा दोनों के लिए कि इन्होंने मेरा इतना टेक केयर किया। अंजना तो बेचारी सुबह से लगी हुई है, उसके पापा भी आए मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, तो यार इट फील्स गुड। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वही मैं बोल रहा, फैमिली फैमिली के लिए होती है ये चीज़ ना, हमें बरकरार रखनी चाहिए हमेशा अपनी फैमिली के लिए, हमेशा तत्पर रहो यार, हमेशा मतलब रेडी रहो। बाकी करता हूँ मैं ब्लॉग एंड, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और देखते रहिए डीडी ब्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।